जो इनको परेशान कियो, क्यों परेशान नहीं किए हो तुम? राहे तो कहा था कि जो मुकदमा लिखे कर रहे हैं, काहे मुकदमा लिखवा रहे हो तुम? नहीं सर, दिमाग खराब है? बाढ़ चल रही है, बंधे के नीचे आदमी रह नहीं पा रहा है, घर डूबे हुए हैं, मुख्यमंत्री से लेकर के बाढ़ मंत्री से लेकर के कृषि मंत्री तक दौड़े दौड़े घूम रहे, विधायक सांसद नाव से डूब रहे, तुमको वसूली का दिमाग खराब है? तो हमने तो कुछ भी नहीं कहा, नहीं ये फ्री में हमको बुलाया यहाँ क्या कहेंगे बोलो? लकड़ी परसों बिरवा काटन तो पेड़ सूखा था, हरा था, कैसा कितना बड़ा था, ठूंठ था बता रहे हो? सूखा था, गिरने वाला था, आधा सर गवा रहा है, फिर बैठे टूटे थे तो गिर जा तो हम काट दिया था। ठीक, कहा क्या, कहा क्या इन्होंने आपसे? तुमने मुकदमा लिखा जी, फॉरेस्टर ने फोन किया, अब लकड़ी का मंगाओ थे, काटे लकड़ी ला आप चली, दिमाग ठीक कर दूंगा। नहीं नहीं सर, हमने तो कुछ नहीं, तुम्हारी बहुत शिकायत है, यही तुमने 50,000 वसूली किया था एक ट्राली से, जो वहाँ की थी वो पाल बिरादरी के लोग थे। नहीं हमने नहीं किया, नहीं तुम्ही नहीं किया था। अरे ये जो टोपी लगा है ये ज्यादा बता रहे, हम बता रहे हैं एकदम सही हो जाओ क्या मेरा, तुमको ये बताओ यहाँ जाकर पूरी लकड़ी सड़क पे दिखती है, लकड़ी यहाँ से लेकर के लकड़ी आदमी के घर में चूल्हा जलाने नहीं है, सब पूरा पानी भरा हुआ है, कैसे खाना बनाएगा, कैसे खाएगा खाना? अरे तुम शर्म करो, हमारा सप्लाई इंस्पेक्टर तहरी बंटवा रहा है, तुमको लोगों को कुछ तहरी बंटवाओ, कुछ बाढ़ के लिए कुछ करो जाकर के, कुछ लंच पैकेट लाओ, वसूली करने चल देते हो कि सूखा पेड़। अरे आदमी सूखा पेड़ नहीं काटेगा खाना कैसे बनाएगा? ये बंधे के अंदर है, नदी इतनी बह रही, खाना कैसे बनाएगा? कोई आम काट लिया है, कोई शीशम काट लिया है, कोई काट लिया है, उसके दरवाजे लगा, अपने दरवाजे काटा है, वो भी सूखा पेड़ काटा, दोबारा ऐसा कहीं ना तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगा। हमने सब तो कुछ नहीं कहा, हम तो कल आए थे, इनको समझा भी गए थे, आप तभी भूल जाएगी एकदम राइट टाइम हो जाओगे। हमसे कहा सरकार सूखा पेड़ रहा काट दिया है, उनके माना आप गलती हो गया, अरे आने नहीं चाहिए थे, आप तीन चार जन आए हैं, कोई मुकदमा नहीं, लकड़ी उठा ले जा।